हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड देखिए, आज मैं दो कलर से डिज़ाइन लाई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है, ये बनाना अब बहुत आसान भी है। इसको आप बच्चों के स्वेटर में डालिए, बहुत सुंदर लगता है। कैप में डालिए, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको देखिए, आप कुछ भी फंदा में बनाइए, ये बनाना बहुत आसान है। तो देखिए, हमने इसको 31 फंदा डाला है और इसमें कुछ डिज़ाइन थोड़ी सी बनाना हम आपको बताएँगे। तो देखिए, ध्यान रहे डिजाइन बनाते समय, डिजाइन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिजाइन बनाते समय बीचों बीच का हमें 5 फंदा यहीं गिन लेना है। तो हमारा जो है, इसको देखिए, ये बीचों बीच में हम 5 फंदा सीधा बुनेंगे तो फ्रंट देखिए हम इसको गिन लिए हैं। हमारा यही 5 फंदा बीचों बीच का पड़ रहा है। ये हमारा 5 फंदा बीचों बीच का पड़ रहा है। तो 5 फंदा ये हमारा स्वेटर के बीचों बीच का 5 फंदा सीधा रहेगा। यहीं से हमें डिजाइन स्टार्ट करनी है। 5 फंदा हमारा ये सीधा रहेगा। इधर का फंदा हम गिन लेते हैं, 5 सीधा, 1 उतारेंगे, 3 सीधा, 1 उतारेंगे, 3 सीधा, 1 उतारेंगे, और इधर हमारा ये जो फालतू फंदा है इसको हम बुन लेते हैं किनारे वाला। ऐसे हम इसको बुनाई कर लेते हैं, एक्स्ट्रा फंदा। उसके बाद अब हमें जो है 3 फंदा सीधा बुनना रहेगा। 3 फंदा सीधा एक ऐसे उतार लेंगे। सेकंड धागे से हम बुनाई कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये बॉर्डर पूरा हो गया है, अब हमें आगे डिजाइन बनाना है, तो हम इसी तरह से बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 सीधा बुनेंगे, 3 सीधा, 1 उतारेंगे, 3 सीधा, 3 सीधा, ये कैसे उतार लेंगे। अब देखिए, हमारा ये बीचों बीच का फंदा आ गया है। ठीक, अब हम इसको जो है 5 फंदा यहाँ बुन देते हैं। स्वेटर के बीचों बीच वाला फंदा हमको 5 फंदा यहाँ बुनना रहेगा। 5 फंदा हमारा हो गया। इसको ऐसे हम एक उतार के, जिस तरह से इधर से 3 1 3 करके बुने हैं, उसी तरह से हम सिलाई को पूरा करेंगे। यहीं से हमें डिजाइन स्टार्ट करनी है, बीच से। बीच से 5 फंदा हमारा सीधा रहेगा। सेकंड कलर से 1 उतारेंगे, 3 सीधा, 1 उतारेंगे, 3 सीधा, 1 उतारेंगे। इसी तरह से हमें सिलाई को पूरा करते हैं। तो देखिए, अब हम सेकंड सिलाई में आ गए। सेकंड सिलाई में हमें क्या करना है, उतारे हुए फंदों को ऐसे उतार लेंगे और धागे को पीछे करेंगे। धागे को पीछे करके इधर से भी सीधी ही बुनाई कर देते हैं। 3 फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, उतारा हुआ फंदा धागा आगे करके ही ऐसे उतारना होगा। धागा पीछे करके 3 सीधा बुनेंगे। हरे वाले कलर से जो बुना गया है, उल्टे के तरफ से भी सीधा ही बुना जाएगा। इसको उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे ऐसे। जितना भी फंदा हम हरे कलर से बनाए हैं, उसको इधर से सीधा ही बुनेंगे। उल्टे के तरफ से भी सीधी बुनाई की जाएगी। तो इसी तरह से देखिए, हम इसको सिलाई को, सेकंड सिलाई को पूरा कर देते हैं। धागा आगे करेंगे, रेड वाला से उतार के धागा पीछे करके फिर बुनाई करेंगे। अब देखिए, हम तीसरी सिलाई पर आ गए। तीसरी सिलाई पर हमें जो है, अब दो सिलाई हम इसे हरा से बुने थे, अब दो सिलाई हम रेड से बुनेंगे। तो देखिए, बीच से हमें फिर इसकी बुनाई देखनी है। 5 पहली सिलाई में हम 5 सीधा बुने थे, अब की बार हमें बीच में 3 सीधा बुनना है। 3 सीधा बुनेंगे, 1 उतारेंगे, 3 सीधा, 1 उतारेंगे, 3 सीधा, 1 उतारेंगे, 3 सीधा, 1 उतारेंगे। अब के किनारे वाला ये हमारा उतारने वाला फंदा पड़ रहा है रेड से, इसको हम किनारे वाला बुन लेते हैं।
ये हम इसको उतारेंगे। फिर ये दो दो सलाई की डिजाइन है, दो सलाई हरे से, दो सलाई रेड से ये बुनना है। तो देखिए ये एक उतारेंगे, तीन रेड से बुनेंगे, एक उतारेंगे, तीन रेड से, एक उतारेंगे, तीन रेड, इसको उतारेंगे। जैसे इस इधर बुने हैं उसी तरह से इधर भी बुना जाएगा। तीन रेड है, तीन रेड से बुने हैं, ग्रीन वाले को उतार लेंगे, तीन रेड। इसी तरह से सिलाई को पूरा करते हैं। उल्टी के तरफ से जैसे सेकंड सिलाई में बुने थे उसी तरह से फोर्थ सिलाई में भी हमें बनाना है। उतारा हुआ फंदा हम उतार लेंगे और बुना हुआ फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, ऐसे इसको उतार लेंगे, धागा पीछे करके जो बुने हैं फंदे को उसको उल्टे की तरफ से ही सीधा बुनना रहेगा। इसी तरह से सीधा धागा आगे करेंगे और इसको उतार लेंगे, धागा पीछे करके बुनते हुए सिलाई को हम पूरा करते हैं। तो देखिए हमारा ये उल्टे की तरफ हम बुन लिए हैं। अब देखिए बीच में हमारा पहली बार पांच था, आपकी दूसरी बार हमारा दूसरे कलर से हमारा तीन हुआ था। आपकी बार हमें जो है इसको जो है यहाँ से ऐसे डिजाइन हमको बढ़ानी है। यहाँ से एक हमको ये उतारना है और तीन ग्रीन एक उतारना है, तीन ग्रीन एक उतारना है, तीन ग्रीन एक उतारना है, तीन। तो अब हमारा किनारे दो बच रहा है, हम दो ग्रीन से कर देते हैं, किनारे हमारा दो ही बच रहा है, इसको हम ग्रीन से कर दे रहे हैं। इसको एक उतारेंगे और ये तीन ग्रीन हो जाएगा, तीन ग्रीन एक उतारेंगे, तीन ग्रीन। ये डिजाइन देखिए इसी तरह से ऐसे फैलती जाएगी, इसको एक उतारेंगे, तीन ग्रीन, एक उतारेंगे। अब कि हमारा यह जो है बीच में ये कहीं पड़ेगा, इसको यहाँ उतारे हैं, ये भी उतारना पड़ेगा, एक ग्रीन कर दे रहे हैं, इसको हम उतार लेंगे, क्योंकि डिजाइन हमारी बीच से इधर फैलती जाएगी और इधर भी फैलता जाएगा, बीच में हमारा ये कहीं रहेगा। तो अब हमें जो है तीन ग्रीन बुनना है। इसी तरह से ये डिजाइन बनेगी। देखिए ये बीचों बीच का है, पहली बार पांच बुने थे, फिर दूसरे कलर से तीन बुने थे, फिर वही सेकंड वाला कलर लगा के बीच में हम एक बनाएंगे। तो एक बनाएंगे, इसी तरह से ये डिजाइन ऐसे लहरदार इधर से फैलेगी और इधर से भी ऐसे लहर बनती हुई इधर से फैलेगी। तो देखिए इसको हम सिलाई कैसे पूरा करते हैं। तो देखिए यही बीच से डिजाइन हमको शुरू करना है, तो ये हमारा रेड वाली डिजाइन हमको इधर फैलाना है। तो एक ये और दो ग्रीन का, ये तीनों हमारा रेड हो जाएगा अब की बार। तो बीच वाला हमारा एक उतरेगा, एक उतरेगा तीन रेड, एक उतरेगा तीन रेड, एक उतरेगा तीन रेड, एक उतरेगा तीन रेड। ये किनारे हमारा जो है तीन फंदा रेड से हम बनाएंगे सीधा, तीन रेड एक उतारेंगे, तीन रेड एक उतारेंगे, तीन रेड एक उतारेंगे, अब हमारा बीच में ये जो है इसको भी हमें उतारना ही है एक फंदा की बार, क्योंकि इधर भी ये डिजाइन फैल रही है। बीच वाला हम उतार रहे हैं एक फंदा, इधर हमारी डिजाइन फैल रही है, इधर भी फैल रही है। इसी तरह से देखिए ये रेड वाली डिजाइन इसी तरह से फैलती जा रही है और इधर भी जा रही है। हम थोड़ा सा
बुन के आपको दिखाते हैं। तो देखिए बीच में हम इसके पहले एक उतारे थे, अब कि यहाँ पर ग्रीन से पांच फंदा हमको बुनना रहेगा। ये बीचों बीच जैसे यहाँ पर पांच फंदा बुने थे, अब कि पांच फंदा हमें यहाँ ग्रीन से बुनना रहेगा। एक उतरेगा तीन ग्रीन, एक उतरेगा तीन ग्रीन, एक उतरेगा तीन ग्रीन, एक उतरेगा। किनारे वाला हम इसको उतार लेते हैं या बुन लेते हैं। अब इसके बाद हमें दो सिलाई अब ग्रीन से बुनना रहेगा, तीन ग्रीन एक उतारेंगे, तीन ग्रीन। इसी तरह से हम इसको सिलाई को पूरा कर देंगे। तो देखिए बीच में अब की बार हम फिर पांच ग्रीन कर दे रहे हैं। यह हमारा एक था, उसके बाद अभी हमारा यहाँ पांच हो जाएगा, पांच हो जाएगा। एक उतारेंगे और इधर से जैसे तीन एक किए थे उसी तरह से तीन फंदा बुनेंगे, एक उतारेंगे, ऐसे सिलाई पूरा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हमारी कुछ डिजाइन बन रही है। ये लहर इधर फैलेगा और ये लहर इधर जाएगा, बीच में ये हमारी डिजाइन यहाँ से ऐसे फैलती है। तो हम थोड़ा सा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस डिजाइन को ऐसे आप बनाते चले जाइए, ऐसे इधर से फैलता चला जाएगा। अब की बार ये वाला उतरेगा और इसी तरह से बनाइए। देखिए जैसे यहाँ तक बना था इसी तरह से आप बनाते चले जाइए। पांच था, पांच ग्रीन था तो तीन रेड बीच में बना दिए थे, तो एक यहाँ ग्रीन हो गया, तो फिर पांच ग्रीन हुआ। इसी तरह से जो है इसको आप बनाइए। ये डिजाइन बहुत सुंदर लगती है, आसान भी है। तो फ्रेंड अगर हमारी ये डिजाइन, ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।